155G new snapdragon 6nm chipset 120Hz fast OLED curved display 108MP quad camera setup fast charging and many more. दोस्तों आज मैं ओनर 55G का हैंड्स ऑन रिव्यू बताने वाला हूं. अनबॉक्सिंग ऑलरेडी बता दिया, अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में ऊपर कार्ड में मिल जाएगी, जरूर से देख ले. मेरा नाम मिलन है और आप देख रहे हैं टेकी स्ट्रीट. लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अपडेट सबसे पहले देखने के लिए और अगला गिव अवे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबा के ऑल कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट ऑसम टेक अपडेट की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके जैसे ही हम नया वीडियो अपलोड करते हैं. तो सबसे पहले डिज़ाइन और बिल्ड की बात करते हैं. फ़ोन का फ्रंट देखें तो 6.57 इंच की पंचोल वाली स्क्रीन मिल जाती है, जहां पे स्क्रीन टू बॉडी रेशियो ज़्यादा मिल जाता है और स्क्रीन में बेजल्स भी कम देखने को मिल जाती है और चीन भी कम दी गई है. और यहां पे फ़ोन की स्क्रीन कवर देखने को मिल जाएगी जो फ़ोन को प्रीमियम लुक देती है. फ़ोन का बैक देखें तो सबसे पहले नई डिज़ाइन वाला कैमरा मॉड्यूल देखने को मिल जाता है. डबल रिंग कैमरा मॉड्यूल यहाँ पे देख सकते हैं, जिसके बारे में आगे डिटेल में बात करेंगे. बॉटम में फ़ोन की ब्रांडिंग दी गई है और बैक यहाँ पे साइनी दिया गया है तो फिंगरप्रिंट पड़ने के चांसेस ज़्यादा है. बाकी फ़ोन की इन हैंड फील अच्छी मिल जाती है क्योंकि बैक भी कव दिया गया है और फ्रंट स्क्रीन भी. फ़ोन का वेट करीब 175 ग्राम का है जो बहुत ज़्यादा नहीं कह सकते हैं और थिकनेस भी 7.7mm की देखने को मिल जाती है. और फ़ोन का फ्रंट और बैक कौन से ग्लास से प्रोटेक्टेड है वो कंपनी ने मेंशन नहीं किया है. फ़ोन के राइट में वॉल्यूम रोकर और पावर बटन दिया गया है और एक बात, फ़ोन में 3.5 ऑडियो जैक भी नहीं दिया गया है. ओनर 55G के डिस्प्ले की बात करें तो 6.57 इंच की OLED डिस्प्ले मिल जाती है, रिजोल्यूशन फुल HD प्लस मिल जाता है और 1 बिलियन कलर्स मिल जाएंगे और साथ में 100% PCI D3 गेमुट मिल जाएगा. और डिस्प्ले तो टासू ही दी गई है, मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस भी यहाँ पर टासू ही मिलेगा, यानी इस फ़ोन में मूवीज़ और TV सीरीज देखने में अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा. बस यहाँ पे स्टीरियो स्पीकर्स की कमी है. ओनर 55G में परफॉर्मेंस की बात करें तो कॉलकॉम स्नैपड्रैगन की नई 778 5G चिपसेट लगी है जो 6nm प्लेटफॉर्म पे बनी है, जिसकी मैक्सिमम क्लॉक स्पीड 2.4 GHz की है, यानी ये फ्लैगशिप ग्रेड की चिपसेट कह सकते हैं, यानी मल्टीटास्किंग और हाई एंड गेमिंग हाई सेटिंग पे खेल पाएंगे. फोन में दो वेरियंट्स मिल जाएंगे, 8GB रैम 128GB स्टोरेज और 8GB रैम 256GB स्टोरेज. और स्टोरेज को एक्सपांड करने के लिए कोई माइक्रो एचडी कार्ड का स्लॉट नहीं मिलेगा. ओनर 55G में कैमरे की बात करें तो रियर फेसिंग क्वाड कैमरा सेटअप मिल जाता है, जहां पे प्राइमरी 108MP का कैमरा मिलता है, सेकेंडरी 8MP का अल्ट्रा वाइड सेंसर मिल जाता है और 2MP का मैक्रो सेंसर मिल जाता है और 2MP का टेप सेंसर मिल जाता है. फ्रंट में 32MP का सेल्फी सेंसर मिल जाता है. फ़ोन में वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करें तो 4K वीडियो 30 FPS से रिकॉर्ड कर सकते हैं. कैमरा सैंपल्स आप यहां पे देख सकते हैं. ओनर 55G में OS की बात करें तो मैजिक UI 4.2 पे चलता है जो बना है Android 11 के ऊपर, और Google सर्विसेज यहाँ पे मिलेगी या नहीं वो मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है. ओनर 55G में बैटरी की बात करें तो 4300mAh की बैटरी दी गई है, जिसको चार्ज करने के लिए 66W का फास्ट चार्जर मिल जाता है जो करीब 20 मिनट्स में ही 70% तक बैटरी को चार्ज कर देता है. और ओनर 55G की प्राइस की बात करें तो बेस वेरिएंट की प्राइस चाइना में 2699 है, जो इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करें तो करीब 30,900 तक होती है. कंक्लूजन पे आए तो बेस्ट डिस्प्ले, एवरेज कैमरा, फास्ट चार्जिंग, लेकिन शायद इंडिया में गूगल सर्विसेज के साथ आएगा या नहीं ये एक देखने वाली बात है. और फ़ोन में स्टीरियो स्पीकर्स मिल जाते तो ज़्यादा अच्छा होता. तो
तो दोस्तों आप क्या सोचते हैं ओनर 55G के बारे में, कौन सा फीचर आपको अच्छा लगा और कौन सी प्राइस रेंज में इंडिया में लॉन्च होना चाहिए, मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताएं। तो ऐसे ही लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अपडेट सबसे पहले देखने के लिए और अगला गिव अवे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबा के ऑल कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट ऑसम टेक अपडेट की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके जैसे ही हम नया वीडियो अपलोड कर दें। तो दोस्तों मिलते हैं अगले लेटेस्ट टेक अपडेट के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे एंड कीप स्माइलिंग।